नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आई आर शो में। तो दोस्तों, जहां एक तरफ पूरे विश्व में जो है अस्थिरता छाई हुई है, कहीं युद्ध हो रहा है तो कहीं और तरीके की समस्याएं देखने को मिल रही, तो वहीं भारत में जो भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो नए नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो नई एक अप्रूवल रेटिंग आई है ग्लोबल लीडर्स की, उसकी अप्रूवल रेटिंग में नरेंद्र मोदी ने टॉप किया है, फिर से टॉप किया है। मतलब ये पहली बार नहीं है कि इन्होंने ऐसा किया है, इसके पहले भी ये जिस संस्था ने निकाला उसका नाम मॉर्निंग कंसल्ट है, और इसकी जो रिपोर्ट्स है उसको काफ़ी ज़्यादा मायने दिए जाते हैं पूरे विश्व में। और इसकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग्स जो आई है लीडर्स की, उसमें आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को 77% के साथ में इसमें टॉप पे स्थान दिया गया है। और इसके पहले सेम इसी जो रेटिंग जो लिस्ट थी इसमें नरेंद्र मोदी को 71% के साथ में जो है टॉप पे रखा गया था, लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने अपने पुराने ही रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए 6% की बढ़त बनाई है और 77% की जो स्कोर के साथ इन्होंने टॉप किया। और आसपास अगर आप इस पूरी लिस्ट को देखेंगे तो आपके इसके इनके आसपास कोई भी देखने को नहीं मिलेगा, कि जो एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है अगर आप भारत के तौर पर अगर आप सोचते हैं। क्योंकि देखिए, चाहे यूक्रेन का मुद्दा हो, चाहे रशिया और यूक्रेन के बीच की सीधी वॉर की बात रही हो, दोनों ही देशों के जो प्राइम लीडर्स हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी को कई कई बार संपर्क किया। जहां पुतिन से 3 बार बात हो चुकी है, वहां जेलेंस्की से भी 2 बार बात हो चुकी है नरेंद्र मोदी की, जो इस बात को बताता है कि किस तरीके से एज एन ग्लोबल लीडर के रूप में जो नरेंद्र मोदी हैं उनका जो स्थान है वो बढ़ता ही जा रहा है, उनका जो इम्पोर्टेंस वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, जो कि भारत को वैश्विक गुरु बनने की तरफ ले जाएगा। क्योंकि इस अस्थिरता के दौर में भी जहां अन्य देशों के जो लीडर हैं, चाहे वो आप पुतिन की बात कर लीजिए या किसी की भी बात कर लीजिए, यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी बात कर लीजिए, जबकि अप्रूवल रेटिंग घटती जा रही है, तो वहाँ आप स्क्रीन पर जो ग्राफ है उसमें देख सकते हैं कि लगातार जो पीएम मोदी का जो अप्रूवल रेटिंग है वो बढ़ती जा रही है और डिसअप्रूवल रेटिंग लगातार घटती जा रही है, जो नीचे है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो नरेंद्र मोदी ने जो पूरे इस वैश्विक परिदृश्य में जो अपने स्थान को बरकरार रखा, और ना कि बरकरार रखा बल्कि उसमें बढ़ोतरी करते जा रहे हैं, तो उसके पीछे की सिर्फ और सिर्फ एक ही बात ये है कि नरेंद्र मोदी ने भारत को एक पावरफुल कंट्री के तौर पर जो है स्थापित करने में कहीं ना कहीं एक सफलता पाई है, और विश्व को भारत में एक पावर दिख रही है। चाहे वो नेगोशिएटिंग लेवल पे देखिए, चाहे यूएनएससी में भारत के दम को देख लेके देखिए, या भारत के जो महत्वपूर्ण जो फैसले हैं, चाहे उसमें कोरोना वायरस के टीके के लेके जो विश्व के जो देश जो उसको अप्रूवल देने से मना कर रहे थे, तो उनको कहीं ना कहीं बैकफुट पे ढकेलना या अपनी बात को अन्य देशों से मनवाना, और जिस तरीके से रशिया को लेके दबाव बनाया जा रहा था भारत के ऊपर यूक्रेन और रशिया को लेके, तो उस तरीके से भारत ने सारे दबावों को दरकिनार करते हुए किस तरीके से रशिया के साथ अपने संबंधों को ले के चल रहा है, तो ये सब चीज़ें देखने पे आपको पता लगता है कि किस तरीके से जो नरेंद्र मोदी हैं उनकी जो स्थिति जो है वो बहुत मजबूत होती जा रही है। क्योंकि इस पूरे रीजन में चाइना को भी कोई देश अगर टक्कर देने की स्थिति में पूरे विश्व के देशों को दिख रहा है तो वो है भारत, जिसकी वजह से जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी जो अप्रूवल रेटिंग जो है वो पूरे विश्व में बढ़ती जा रही, चाहे कोरोना को हैंडल करने को लेके ही इनका जो मैनेजमेंट था उसकी भी पूरे विश्व में तारीफ होती है। तो दोस्तों, आप लोग की क्या राय है इस पूरी अप्रूवल रेटिंग पे? आपको क्या लगता है कि जो अप्रूवल रेटिंग आई है आप लोग के विचार में क्या ये सही है या गलत है? आपके जो भी जो राय हो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।